डिप्टी प्रधानमंत्री ते वित्त मंत्री क्रिस्टियन फ्रीलैंड ने ऐलान किया कि फेडरल सरकार अपना 2021 दा बजट 19 अप्रैल नूं पेश करेगी। यह आस कीती जा रही है कि कोविड-19 महामारी कारण हुए लोड़ों वध खर्चों का फेडरल सरकार हिसाब देवे अते वधी बेरोजगारी बारे भी तफतीश नाल दसे। प्रश्नकाल दौरान फ्रीलैंड ने कहा कि महामारी विच दाखिल होंदे समय कैनेडा की स्थिति काफ़ी मजबूत सी, जिस कारण सरकार कनेडियनां नूं हर पक्षों मदद कर सकी। कनेडियनां ते कनेडियन कारोबारां दी मदद लई साडे कोलों जो बन सकेगा असीं करांगे। फ्रीलैंड ने भी आखिया कि साडे कोल नौकरियां लई ते विकास लई पूरी योजना है। 2021 दा इह पहला बजट होएगा जिहड़ा फैडरल सरकार 2 सालां विच पहली बार पेश करेगी। मार्च 2020 वाला बजट महामारी के शुरू होने के खतरनाक रूप धारण करने कारण पेश नहीं हो सकया सी। पिछले बजट जिसनू 19 मार्च 2019 विच पेश किया गया सी, विच 2020-21 वित्तीय वरे विच फैडरल घाटा 19.7 बिलियन डॉलर रहने की पेशगी की गई सी, पर 2020 के अंत में पेश की गई आर्थिक अपडेट विच साल 2020-21 वित्तीय घाटा बढ़ के 381.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।